करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मतलब पिछले लेक्चर में भी हमने इसके बारे में चर्चा किया था, ठीक है। आज इसके बेस पे हम लोग क्या देखेंगे, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे इसमें क्या होगा, ड्रॉ होगा, ठीक है। तो देखते हैं, एक हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 30 mm साइड, मतलब जो एक हेक्सागोनल प्लेन है उसका साइड क्या है, 30 mm है, ठीक है। हैज इट प्लेन, मतलब उसका तल कितना है, 30 mm उसका साइड है, ठीक है। द सर्फेस एंड परपेंडिकुलर टू एच पी, मतलब कि आपका एच पी इससे क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। एंड इंक्लाइंड एट 45 degree टू दी बी पी, मतलब कि बी पी से क्या रहेगा, इंक्लाइंड रहेगा, कितने पे, 45 degree पे, ठीक है। इस कॉर्नर ए, मतलब जो आपका यहाँ पे हेक्सागोनल का कॉर्नर ए होगा, इस डिस्टेंस फ्रॉम 20 mm फ्रॉम बी पी, ठीक है। मतलब उसका डिस्टेंस कितना रहेगा, बी पी से 20 mm दूरी पे रहेगा, ठीक है। फ्रॉम बी पी एंड 40 mm फ्रॉम एच पी, मतलब कि यहाँ एच पी से कितने दूरी पे आपका हेक्सागोन रहेगा, 40 mm, ठीक है। देन ड्रॉ द प्रोजेक्शन एंड ऑल्सो शो इट ट्रेसेस, मतलब कि इसका ट्रेसेस और बताइए इसमें क्या क्या होंगे, मतलब वर्टिकल में एच टी ट्रेस, बी टी ट्रेस कहाँ होगा और एच टी हॉरिजॉन्टल ट्रेस कहाँ होगा एच पी में, ठीक है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट आउट यहाँ पे निकाल लेंगे, यहाँ पे किनारे लिख लेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ए हेक्सागोनल प्लेन ऑफ 30 mm साइड हैज इन प्लेन सरफेस, मतलब प्लेन सतह पे है, तो हम लोग एक 30 mm का रेडियस लेके सर्किल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, सर्किल ड्रॉ किया, ठीक। अब क्या करेंगे कि 30 mm का कंपास से नाप के, और पहले इसमें क्या करेंगे, मिड पॉइंट ले लेंगे, ये आपका मिड पॉइंट हो गया। अब यहां से 30 mm ऐसे क्रॉस कर लेंगे, यहाँ पे काट लेंगे, फिर यहां से ऐसे करके काट लेंगे, हूबहू सेम टू सेम अपोजिट साइड में ऐसे ही क्या करेंगे, काट लेंगे, और ये क्या करेंगे, कट कर लेंगे। इसको हम यहाँ पे कट करते हैं, ये इरेज कर देंगे, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका क्या होना चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, वन बाय वन लाइन क्या करेंगे, डार्क कर लेंगे, ये इसे डार्क कर लेंगे, और ये वाला ऐसे हो जाएगा, और ये लाइन यहां पे आके क्या हो जाएगी, मीट कर जाएगी, और ये लाइन यहां पे आके मीट कर जाएगी, और इसे हम लोग क्या करेंगे, इसमें मीट करा देंगे, ठीक है। और इन सबको हम क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, जो 2H पेंसिल से यूज करेंगे हल्का हल्का, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, ए और बी सी डी ई, और ये क्या हो जाएगा, एफ। आपका बीपी में है तो ये सब क्या हो जाएगा, डैश लग जाएगा, क्योंकि बीपी में क्या बनाते हैं, फ्रंट भी बनाते हैं, और इसमें पूरे नेमिंग के ऊपर क्या लग जाएंगे, डैश, ठीक है। यहां से यहां तक आपका कितना डिस्टेंस था, 40 mm, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम लोग लिख लेंगे 40, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हर एक कॉर्नर से, मतलब यहां इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो वन बाय वन कॉर्नर लेके प्रोजेक्शन लाइन क्या करेंगे, नीचे की ओर ड्रा करेंगे। देखिए कैसे किया जाता है, इधर से करते हैं, अब ये वाला कॉर्नर, फिर ये कॉर्नर लेंगे, ये हमने क्या किया, प्रोजेक्शन लाइन नीचे की ओर ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, एरो लगा लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है कि हम क्या किए, प्रोजेक्शन नीचे की ओर सबका ले लिए हर कॉर्नर से। अब क्या करेंगे कि 20 mm फ्रॉम बीपी, मतलब बीपी से क्या रहेगा, नीचे 20 mm रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से 20 mm नाप लेंगे, मान लीजिए क्या हो गया आपका 20 mm, 20 आपका हो गया, ठीक।
यहाँ पे आपका जब टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या क्या दिखेगा, यहाँ से यहाँ तक के कॉर्नर दिखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या जाएगा, बन जाएगा एक लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इन सब को हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे। अब इसका नेमिंग करते हैं, नेमिंग इधर से करना स्टार्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, ऊपर से टॉप से जब सी करेंगे, टॉप से सी करेंगे तो क्या हमें दिखेगा, ए, ठीक। अब उसके बाद से क्या है, ऊपर से टॉप देखेंगे तो पहले क्या दिखेगा, एफ और बी। तो एफ और बी को क्या कर लेंगे, ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक। अब क्या दिखेगा हमें, ऊपर से ई और बाद में क्या दिखेगा, सी। तो ई को क्या करेंगे, बाहर रख लेंगे और ब्रैकेट में क्या करेंगे, सी को ब्रैकेट में कर लेंगे। और फिर ये आपका जब टॉप से देखते हैं तो इसमें क्या दिखेगा, डी, आपका डी दिखेगा। तो यहाँ इस कॉर्नर पे क्या हो जाएगा, आपका डी, ठीक है। ये आपके हर कॉर्नर के क्या हो गया, नेमिंग आपका हो गया। ये क्या हो गया, टॉप व्यू, टॉप व्यू तैयार हो गया। फर्स्ट था, नीचे क्या करेंगे, लिख लेंगे स्टेप, स्टेप फर्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इस लाइन को, मतलब कि ये टॉप व्यू लाइन को क्या करेंगे, आगे की ओर थोड़ी सी एक्सटेंड करेंगे। यहां पे हम लोग क्या किए, एक्सटेंड कर लिए। अब क्या दिया है इसमें, 45 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू एचपी एंड इंक्लाइन 45 डिग्री टू दी बीपी, मतलब बीपी से क्या है आपका 45 डिग्री क्या रहेगा, इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। और बीपी, ठीक है, एंड कॉर्नर इज डिस्टेंस फ्रॉम 20 mm, मतलब जो दूरी है 20 mm का, उस लाइन को हम लोग क्या करेंगे, आगे की ओर एक्सटेंड कर लेंगे और यहाँ पे कोई पॉइंट बना के, ठीक है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे रख के, और ये क्या करेंगे, 45 डिग्री बना के एंगल बना लेंगे, ठीक है। ये हमारा यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। अब यहां से यहां तक की दूरी, मतलब कि ए से एफ तक की दूरी, इसको मेजर करेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा, हमारा ये कौन सा पॉइंट होगा, ए, ए वन, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ बी। यहां से यहां तक की जो दूसरी दूरी है यहां पे पॉइंट पे क्या हो जाएगा, एफ वन बी वन, ठीक है। और ये हमारा देखिए, यहां से यहां तक की दूरी फिर भरेंगे और यहां से यहां तक कट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई वन और सी वन। और यहां से यहां तक की दूरी कैलकुलेट करेंगे, मेजर करेंगे तो क्या हो जाएगा यहां पे, डी डी वन, ठीक है। अब हर कॉर्नर से प्रोजेक्शन लाइन क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले जाएंगे, वन बाय वन ले जाएंगे। क्या करेंगे कि इस पॉइंट से हम लोग क्या लिए, प्रोजेक्शन लाइन ऊपर की ओर ले लिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एरो बना देंगे, ठीक है। अब इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर से हम लोग क्या लेना है, प्रोजेक्शन लाइन लेना है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन लाइन लेते हैं इधर से भी, तीनों कॉर्नर से क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइन लेंगे। ये आपका हो गया, ये जो अपर लाइन है इसे हम लोग क्या करेंगे, इरेज कर देंगे, ठीक है। अब आपका क्या हुआ, अब इसका हम लोग नेमिंग करना है, ठीक है। यहां पे हम लोग को क्या मिला है, फाइनल, फाइनल टॉप व्यू, फाइनल टॉप व्यू। ये आपका कौन सा स्टेप है, स्टेप सेकेंड है। अब हम ऊपर की बात करते हैं, यहां से ए को मेजर करेंगे, ए को ले जाएंगे और इसको ए, जहां पे क्रॉस करेगा वो क्या हो जाएगा आपका, ए वन, ए वन डैश, ठीक है। एक पॉइंट मिल गया हमको। अब एफ ले जाते हैं, एफ ले जाएंगे ऊपर की ओर और ये आपका ये पोर्शन है क्या, एफ, ये लाइन और ये लाइन कहां पे क्रॉस कर रही है, यहां पे, ये क्या हो जाएगा, एफ वन डैश। फिर से बी को ले चलेंगे, बी को उसी लाइन पे ले चलेंगे और ये क्या आपका B, यहां पे हमको क्या मिलेगा, B1 डैश, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट की बात करेंगे, E,
ई इस कॉर्नर से ले चलेंगे और यहां से ले चलेंगे, क्या होगा यहाँ पे हमको ई वन डैश मिलेगा, ठीक है। ये सी वन है, सी वन को ले चलेंगे और ये आपका क्या है सी, ये सी और ये सी कॉर्नर पे क्या मीट कर रहा है यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा सी वन डैश। अब बचा आपका क्या डी, डी को इस लाइन से ले चलते हैं और इस लाइन से क्या करते हैं मिलाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वन डैश। अब इन सभी लाइनों को हम लोग क्या करेंगे मीट करा देंगे, ठीक है। ये देखिए इस लाइन को हम क्या किए मीट करा दिए, इस लाइन को मीट करा देंगे, इससे मीट करा देंगे, ये आपका क्या हो गया फाइनल फाइनल फ्रंट व्यू, फाइनल फ्रंट व्यू किस चीज में रिड्यूस शेप, रिड्यूस शेप, ये आपका क्या हो गया रिड्यूस शेप में आपका फाइनल फ्रंट व्यू मिल गया। अब इसमें लास्ट में दिया है कि टू ड्रा दी प्रोजेक्शन एंड आल्सो शो इट ट्रेसेस, मतलब कि इसमें ट्रेसेस दिखाने हैं, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा एचपी में क्या आई आपका यही एसटी क्या होगा ट्रेसेस होगा यहां से यहां तक, ठीक है। ये वाला जो लाइन है ये आपकी क्या हो जाएगी एचटी, ठीक है। और आपका बीटी कहां मतलब वर्टिकल ट्रेस आपका कहां मिलेगा उसके बारे में देखते हैं। इस लाइन को हम लोग एक्स वाई लाइन पे आगे क्या करेंगे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसको क्या करेंगे परपेंडिकुलर, मतलब कि एचपी से परपेंडिकुलर लाइन सीधा ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ये ड्रॉ कर दिया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा वीटी, मतलब कि यहां से यहां तक की लाइन आपकी क्या हो जाएगी वीटी, मतलब कि वर्टिकल ट्रेस, ठीक है। इस लाइन को हम लोग क्या करेंगे ड्रॉ कर लेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा वीटी, ठीक है। मतलब कि एसटी मीन्स क्या होता है हॉरिजॉन्टल ट्रेस एंड वीटी मीन्स क्या होता है वर्टिकल, ठीक है। ये आपका क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका ये फ्रंट व्यू, ये आपका टॉप व्यू, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिए आपका फाइनल टॉप व्यू और ये क्या आपका फाइनल फ्रंट व्यू किस चीज में रिड्यूस शेप में, ये आपका हेक्सागोनल का जो क्वेश्चन था वो क्या हुआ ड्रॉ हो गया।